हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आप अभी देख सकते हैं जो डाइकिन का जो कंप्रेसर है, एक जो डक्टेबल स्प्लिट एसी में आउटडोर यूनिट में ये वाला जो स्क्रॉल कंप्रेसर है, जो 5 टन का थ्री फेस है, R22 इसका अंदर जो गैस जो यूज हो चुका था। ये जो कंप्रेसर है, जो कस्टमर जो एसी नहीं चल रहा बोल के जो कंप्लेंट किया था, ये जो टेक्नीशियन लोग आके इसको जो टेस्ट किया, जो टेस्ट करने के बाद ने बोला था जो हाई एम्पियर लेते ये वाला जो कंप्रेसर खराब है बोल के जो क्लाइंट को ऐसा जो रिपोर्ट दिया हुआ है। रिपोर्ट देने के बाद फिर नया कंप्रेसर लेके आके फिर से डाल भी दिया। फिर डालने के बाद क्या हो गया, फिर से जो नया कंप्रेसर भी हाई एम्पियर लेके ट्रिप हो रहा था। तो लोग ने जब वापस जो कस्टमर को बोला था ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, जो कंडेंसर ब्लॉक है, एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक है, सारा इसमें जो मशीन ब्लॉक है, इसके लिए हाई एम्पियर जो ले रहे कंप्रेसर डालने के बाद भी ये सही नहीं होएगा बोल के उन लोग ने इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोल के उन लोगों ने चला गया। उसके बाद में जो कस्टमर हमको बुलाया था ये वाला ऐसे ऐसा मशीन का जो फॉल्ट है बोल के, ये जो अभी आप देख सकते हैं ये नया कंप्रेसर नहीं, ये पुराना कंप्रेसर है। पुराना कंप्रेसर हम लोग ने ऑलरेडी जो नीचे रख के इसको पूरा सारा जो टेस्टिंग है टेस्टिंग कर चुका है ऑलरेडी। ये वाला टेस्टिंग हम लोग जो टेस्टिंग किया था, पहले जो हमारा जो वाइंडिंग सही है बोल के टेस्ट किया, ये वाला जो 3 पॉइंट्स है RYB थ्री फेस कंप्रेसर जो टेस्ट करने के लिए, पहले हमको इसका जो रेसिस्टेंस जो चेक करना चाहिए, ये वाला जो थ्री फेस का आपको दिखता होगा 3 पॉइंट ये RYB जो कनेक्शन देने के लिए। अभी मैं इसका जो थ्री फेस का जो वाइंडिंग चेक करूंगा, आप लोग देख सकते हैं कैसे वाइंडिंग को चेक करते हैं, थ्री फेस का जो कंप्रेसर का वाइंडिंग को कैसे चेक करते हैं बोल के। इसके लिए एक जो मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी जो मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं आप, जो इसमें रेसिस्टेंस देख सकते हैं, ये वाला जो बजर है, ये वाला जो ओम्स है, हम इसको जो ओम्स में जो सेट करना चाहिए, सेट करके इसका जो थ्री फेस का बीच में जो आपस में हमको जो रेसिस्टेंस को चेक करना चाहिए, इसका जो थ्री फेस का बीच में कितना जो रेसिस्टेंस, ये थ्री फेस जो कंप्रेसर इसमें इक्वल रेसिस्टेंस चाहिए, सारा जो RYB का जो कनेक्शंस है ये तीनों में हमको इक्वल रेसिस्टेंस आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं वाइंडिंग सही है बोल के। अभी मैं चेक करूँगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी एक जो कॉमन पॉइंट को इधर से मैं ये वाला जो कॉमन पॉइंट को इधर एक जो टर्मिनल पे जो डाला हूँ, दूसरा मैं अभी अटैच करूँगा। अभी जो एक वाइंडिंग का जो हम लोगों ने अटैच किया, इधर 3.5 जो ओम्स हमको दिखा रहे, 3.5 ओम्स दिखा रहे। उसके बाद में ये वाला जो कनेक्शन मैं दूसरा टर्मिनल में अटैच करता हूँ जो नीचे वाला, अभी भी हमको जो 3.5 का जो रेसिस्टेंस आ रहा है, 3.4 3.5, थोड़ा सा जो वायर में फ़र्क है तो जो कार्बन गिरन में तो थोड़ा एक पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है इस वाले में, जो नीचे वाला जो टर्मिनल, ऊपर वाले में आपको उसमें भी सेम आना चाहिए 3.5, जो नीचे वाले में भी जो 3 पॉइंट का सेम आना चाहिए। अभी हम लोग ने क्या चेक कर दिया, ये वाला इसका और इसका बीच में टेस्ट किया, और इसका वाला ये वाला और इसका बीच में भी टेस्ट हो गया। अभी जो बाकी है ये दोनों को जो टेस्ट करना बाकी, ये दोनों को टेस्ट करने के लिए अभी ये वाला क्लैंप निकाल के हम ऊपर वाला इसमें अटैच करेंगे। अभी अटैच करके नीचे वाला और इस दोनों का बीच में चेक करेंगे, हमको अभी भी जो 3.5 का जो सेम ओम्स आ रहे, इसका और इसका बीच में भी 3.4 का भी ओम्स आ रहा है। अभी सारा वाइंडिंग में सेम ओम्स आ रहे, 3.5 3.5 3.5। अभी इसका मतलब है हमारा जो वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है सबका सब सेम है, कोई भी जो रेसिस्टेंस में शॉर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, जो थ्री फेस का वाइंडिंग जो सही है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो टर्मिनल, जो थ्री फेस का 3 टर्मिनल है, ये टर्मिनल क्या होता है, इसके इधर से जो कनेक्शन जाएगा, जो पावर जाएगा वाइंडिंग में अटैच होता है, वो इसका अंदर जो मशीन का अंदर जो कंप्रेसर का अंदर जो वाइंडिंग में एक जो थर्मिस्टर बोल के एक जो इसका जो वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक
जो थर्मिस्टर अटैच होता है, वो थर्मिस्टर क्या करेगा, वाइंडिंग का कितना हीट है बोल के चेक करते रहेगा। उसका एक वैल्यू है, वो वैल्यू का ऊपर जा जो गया था कंप्रेसर, ओवर हीट हो गए तो ये इधर से डिस्कनेक्ट करेगा, इधर आपको कंटिन्यूटी चेक करेगा, आपस में कंटिन्यूटी नहीं आएगा। तो वो टाइम में आप क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर कूल डाउन करना चाहिए, कंप्रेसर के ऊपर आइस कुछ पानी गीने डाल के इसको ठंडा करने के बाद में इधर कंटिन्यूटी चेक करेगा तो आएगा। ये वाला कंटिन्यूटी कभी भी, कभी 1 घंटे के बाद में भी आएगा, कभी 2 घंटे के बाद में भी आ सकते हैं। कंप्रेसर बाहर से भी कूल डाउन होना चाहिए, अंदर वाइंडिंग भी कूल डाउन होने के लिए टाइम देना चाहिए। जब ये टेस्ट करने के टाइम आराम से चेक करना चाहिए, कभी भी अर्जेंट अर्जेंट जो चेक करेगा तो ऐसा वाला गलती हो जाता है। कभी भी कंप्रेसर चेक करने के आराम से ध्यान से टाइम देख के चेक करना चाहिए। उसके बाद में अभी हमको क्या चेक करना है, ये वाइंडिंग ग्राउंड तो नहीं है, ग्राउंड चेक करना चाहिए, क्योंकि इधर से तो हमारा जो तीनों जो वाइंडिंग सेम होगा, ओम्स भी सेम होगा, बट अंदर से कंप्रेसर के अंदर से वाइंडिंग लीक हो सकते हैं। वाइंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओम्स सारा सेम दिखा रहे, बट वाइंडिंग बॉडी को ग्राउंड होता है, ग्राउंड हो गया तो जब इधर हम इधर जो पावर देगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर इसमें बॉडी को जाके क्या हो जाएगा, ELCP ट्रिप हो जाएगा, तभी भी हमारा जो कंप्रेसर चालू नहीं होगा। ये जो पहला जो टेस्ट करने का, ओम्स चेक करने का, थ्री फेस का जो ओम्स इक्वल में सारा इक्वल है बोल के जो जो टेस्ट करना चाहिए, ये वाला जो पहला स्टेप है। पहला स्टेप ओके होने के बाद सेकेंड स्टेप में ग्राउंड है क्या जो चेक करना चाहिए। ग्राउंड आपको ये जो ओम्स मीटर में भी जो देख सकते हैं, शायद आपके पास और आपको एक्यूरेट चाहिए तो जो मैगर यूज़ करके, मैगर जो इंसुलेशन जो टेस्टर बोलते हैं, उसमें आपको एक्चुअल जो मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा, कोई भी आपको डिफरेंस जो नहीं मिलते, आपके पास वो है तो उसमें जो टेस्ट करेगा तो और भी अच्छा है। अभी मैं आपको जो मैगर से जो टेस्ट करके जो दिखाऊंगा, अभी आप देख सकते हैं मैगर ऑन कर चुका हूँ मैं, इंसुलेशन टेस्टर है। इसमें जो 50 वोल्ट से जो 1000 वोल्ट तक हमको जो वाइंडिंग का वोल्टेज दे के हम लोग ने जो इसका जो इंसुलेशन कितना स्ट्रांग है बोल के चेक कर सकते हैं। इंसुलेशन वीक है तो वाइंडिंग ग्राउंड हो जाए, ग्राउंड होगा तो ELCP ट्रिप हो जाएगा, तभी भी हाई एम्पियर लेगा, सारा MCB ब्रेकर से ट्रिप हो जाएगा। अभी मैं 250 वोल्ट को जो सेट कर चुका हूँ, अब इसका जो ग्राउंड इधर बॉडी में अटैच कर चुका हूँ, देख सकते हैं इसका जो ग्राउंड पॉइंट है, इसका जो जो कॉपर, कभी भी इसका इंसुलेशन चेक करना, इधर एम्ब्री पेपर मार के सैंड पेपर कोई भी थोड़ा सा रब करना चाहिए, नहीं तो ये जो ग्राउंड में जो प्रॉपरली अटैच नहीं हो जाएगा, इसलिए प्रॉपरली इसको बॉडी में अटैच करना चाहिए। उसको आपको डाउट है तो अटैच है कि नहीं देखने के लिए डाउट है तो ये वाला जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको कोई भी बॉडी में टच करके आप देख सकते हैं। अब ये ग्राउंड दिखा रहे, ग्राउंड मतलब अभी मैं सेम बॉडी में दोनों को बॉडी में अटैच कर चुका हूँ, इसलिए जो फेल दिखा रहे, इसका बीच में कंटिन्यूटी आ चुका है इसलिए फेल दिखा रहे। अभी हम कभी भी वाइंडिंग चेक करने के टाइम पहले लोअर पॉइंट से जो 250 जो सेट करके स्टार्टिंग में चेक करना चाहिए। अभी मैं इधर बॉडी अटैच कर चुका, उसका जो पॉजिटिव पॉइंट को अभी भी कोई भी जो टर्मिनल पॉइंट में लगाएगा, अभी मैं डाल चुका हूँ। मीटर में कोई भी जो बजर नहीं आ रहे, बजर शो नहीं हो रहा है। अभी क्या करूँगा मैं, अभी दूसरा पॉइंट में अटैच करूँगा, दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा टर्मिनल से भी कोई भी बजर नहीं आ रहे, फेल नहीं दिखा रहे। ये भी होने के बाद जो तीसरा टर्मिनल को भी जो टच करके देखना चाहिए, जो तीसरा टर्मिनल में भी कोई भी शॉर्ट जो नहीं दिखा रहे, मतलब ये वाला जो कंप्रेसर ग्राउंड भी नहीं है, जो मैगर से ऑलरेडी हम लोगों ने जो चेक हो चुका है, ग्राउंड भी नहीं था। ग्राउंड चेक करने के लिए एक टर्मिनल को बॉडी में अटैच करना चाहिए, दूसरा जो कंप्रेसर का जो टर्मिनल से जो पावर देने वाला कनेक्शन से, इसमें हम लोगों ने टच करना चाहिए। अभी हमारा वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस भी चेक हो गया और जो ग्राउंड भी चेक हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या चेक करना चाहिए वो अभी हम देख लेंगे। अभी हम कभी इधर जो कंटिन्यूटी तो सही आएगा, जो तीनों में तीनों सही आ रहे हैं, समझिए इसमें 3.5 3.5 3.5 हमको जो मिल गया, हम ग्राउंड भी चेक कर दिया, वाइंडिंग को भी सही है, वाइंडिंग भी ग्राउंड नहीं हो रहे, मतलब वाइंडिंग का जो प्रॉब्लम भी नहीं है, ग्राउंड का भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमारा जो कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहे, जो हम जो समझ गए तो
इसका अंदर जो मैकेनिकली कुछ जो स्टक है, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम है अंदर से कंप्रेसर का अंदर में, कोई भी स्क्रॉल, कोई भी बेयरिंग्स, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ जो स्टक हो चुका है, तो ये हाई एम्पियर लेगा। वो कब लेगा? जब तक इधर हमारा जो थ्री फेज प्रॉपरली इधर आता है, तो इधर थ्री फेज बराबर जो पावर आएगा, तो फिर भी हमारा जो कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो अंदर का मैकेनिकल जो स्टक हो सकते हैं। अभी इधर ही थ्री फेज प्रॉपरली नहीं आता है तो अंदर का प्रॉब्लम नहीं है, इधर बाहर से हमारा जो हम लोग जो पावर देते हैं उसी का जो प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहले हम इधर तक थ्री फेज प्रॉपरली आता है बोल के चेक करना चाहिए, उसके बाद में हम दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। ये जो कंप्रेसर में कोई भी फॉल्ट नहीं मिला हमको, हम इसको कंप्रेसर स्टार्ट करके भी देखा, इधर जो चार्जिंग पॉइंट डाल के ये जो 400 प्रेशर था हमको होल्ड प्रेशर जो मिला था। अभी उसके बाद में हम जो मशीन में जाके चेक किया, मशीन में क्या फॉल्ट हो सकते हैं, हमको एक जो फॉल्ट मिला उधर, अभी मैं बताएगा वो जो कौन सा फॉल्ट की वजह से उन लोग के हाई एम्पेयर लेता हुआ जो मिला था कंप्रेसर में। हम लोग ने उसका जो कॉन्टैक्टर ओपन करके देखा, ये वाला जो मशीन का कॉन्टैक्टर है सेम जो कॉन्टैक्टर ये वाला जो कंप्रेसर में जो यूज़ हो चुका था, ये हम जो खोल के देखा, इसमें जो बीच का जो टर्मिनल था वो बर्न हो चुका था, ऐसा बर्न हो चुका इसका जो स्प्रिंग सब जो टूट के बाहर निकला हुआ था। इसका वजह से क्या हो रहा था, इधर से जो थ्री फेस हम दे रहा था, इधर से जो थ्री फेस आ रहा था, वो थ्री फेस इधर से नहीं आ रहा है, एक फेस इधर फेलियर हो रहा था, खाली टू फेस से ये वाला कंप्रेसर चल रहा था। कंप्रेसर टू फेस में चलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये हाई एम्पियर लेगा, हाई एम्पियर लेगा तो क्या होगा, इसका अंदर का जो थर्मिस्टर है वो हीटअप हो जाएगा, हीटअप होएगा तो इधर से जो कंटिन्यूटी जो आ रहा था वो भी नहीं दिखाएगा, कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, हाई एम्पियर लेगा। जब कंटिन्यूटी जो कंप्रेसर क्या होएगा कूल डाउन होने के बाद, ये वापस हमको जो कंटिन्यूटी तो नहीं जो आ जाएगा, आ जाने के बाद क्या करें, हम सोचेगा कंटिन्यूटी आ गया, फिर क्या, फिर मशीन चालू करेगा, फिर मशीन चालू करने के टाइम इधर तो एक फेस तो नहीं आ रहे, दो ही फेस आ रहे हैं, फिर कंप्रेसर क्या होएगा, थोड़ा एक दो मिनट, शायद एक मिनट चले, एक मिनट भी नहीं चलेगा, 30 सेकेंड जो चल सकते, फिर से ओवर हीट हो जाएगा, फिर से कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ये कंप्रेसर जो चेक करने के लिए जो टेक्नीशियन आया था, शायद इसमें इधर जो उसने क्या किया होगा, इधर क्लैंप मीटर डाल के देखो होगा कितना एम्पियर आ रहा है, शायद ये जो नॉर्मली 7 एम्पियर तक लेते हैं, बट उसने जो जब चेक किया होगा ये शायद एक 20-30 एम्पियर तक लेता होगा, तो एक जो 30 सेकेंड के बाद बंद भी हो चुका होगा, क्योंकि एक फेस तो इधर से जाता नहीं था, बट नॉर्मली ऐसा है इसके ऊपर जो जब कवर रहते हैं पता भी नहीं चलता इसमें कुछ अंदर ऐसा वाला बर्न हो चुका है, क्योंकि बाहर से भी कुछ जो नज़र तो नहीं आ रहा है क्या कुछ जो प्रॉब्लम है बोल के। सो इस वजह से ऐसा वाला जो गलती हो जाता है, कंप्रेसर सही है फिर हम कस्टमर को बोल देते कंप्रेसर जब जो खराब है, फिर हमको फिर से कंप्रेसर नया कंप्रेसर आने के बाद भी हमको फॉल्ट को ढूंढने के लिए नहीं होगा, हमारा आपका जो नाम भी खराब हो जाएगा इसका वजह से, क्योंकि आप प्रॉपरली चेक नहीं किया होता। इसलिए कभी भी कंप्रेसर चेक करने के टाइम ध्यान से देखने, कंप्रेसर खराब है बोलने का पहले डबल चेक करना चाहिए, दो दो बार चेक करने के बाद ही फाइनल आप बोल सकते कंप्रेसर खराब है बोल, जब तक के लिए कंप्रेसर खराब है बोल के बोलना नहीं है, क्लियर है आपको? कोई भी जो कंप्रेसर है सही है, अंदर का प्रॉब्लम बाहर का प्रॉब्लम बोल के देखने के लिए कुछ नहीं करने का, इधर थ्री फेस प्रॉपरली आ रहा है, तीनों में थ्री फेस आ रहा है वो देखना चाहिए पहले, नंबर वन इधर ही, इधर थ्री फेस प्रॉपरली आ रहा है देखने का, इधर का जो वायर निकालना चाहिए जब 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 टर्मिनल जो लगा रहे थे वो वायर जो निकाल के मशीन ऑन करना चाहिए, वो थ्री फेस उधर आ रहा है देखने चाहिए, इधर थ्री फेस प्रॉपरली आ रहा है, कोई भी जो कॉन्टैक्टर का बाद में थ्री फेस प्रॉपरली आ रहा है वो चेक करना ज़रूरी है। इधर से वायर से कनेक्ट होते ये वाला जो आउट होने के बाद इधर से तीन वायर इधर आके अटैच होते हैं, इधर थी ये बीच का तीन वायर में भी फॉल्ट हो सकते हैं, ये जो कॉन्टैक्टर से जो टर्मिनल आने वाला बीच का वायर किधर भी ग्राउंड में बॉडी में टच होके जो रगड़ के उसका जो वायर अंदर से कट भी हो सकते वो भी चेक करना चाहिए। इधर से थ्री फेस आउट हो चुका है, होने के बाद इधर से वायर से इधर तक जाता है वो वायर भी चेक करना चाहिए, इधर आ रहा है इधर प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका, इधर का जो टर्मिनल लूज कनेक्शन में नहीं होना चाहिए वो प्रॉपरली वो चेक करना चाहिए। ये सारा चेक करने आपको क्लियर है थ्री फेस अंदर जा रहा है, थ्री फेस अंदर जाने के बाद ही हाई एम्पियर ले रहा है। हाई एम्पियर क्यों लेगा,
इसका अंदर मैकेनिकली स्टक है तो हाई एम्पियर लेगा, मैकेनिकली स्टक है तो ही एक ही चांस हाई एम्पियर लेने के लिए, और कोई रीज़न नहीं हाई एम्पियर लेने का। वो कोई भी ऑयल कम है और कुछ रीज़न है, कुछ भी हो जाए हाई एम्पियर लेगा, जब कंप्रेसर का अंदर प्रॉब्लम है तो ही हाई एम्पियर लेगा, तभी बाकी और कोई रीज़न से हाई एम्पियर लेने का चांस नहीं है। आप थ्री फेस इधर दिया है तो प्रॉपरली, आपका थ्री फेस ही प्रॉपरली इधर तक नहीं आया, जो कॉन्टैक्टर का फॉल्ट है, कॉन्टैक्टर आपने जो चेक नहीं किया तो उसका वजह से इधर थ्री फेस प्रॉपरली नहीं आ रहा है, इसलिए कंप्रेसर जो नहीं चल रहा है। तो पहला ज़रूरी है इधर तक थ्री फेस आता है, उसको चेक करना चाहिए। ऐसा वाला गलती नहीं होएगा, आप प्रॉपरली इधर तक फेस थ्री फेस आते हैं बोल के चेक करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको कुछ यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।